सब्सक्राइब कीजिए टेक माइंड बर्ड चैनल को और सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए क्लिक कीजिए इस बेल बटन पर। इस वीडियो में मैं आपको एक्सिस बैंक की UPI ऐप भीम एक्सिस पे ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना, बैंक अकाउंट को लिंक करना और ट्रांजेक्शन करना बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उमेश सैनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक माइंड बर्ड। मैंने पहले से ही भीम एक्सिस पे UPI ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखा है। आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट डाउनलोड लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज चूज करनी है। मैंने इंग्लिश को सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ इस पिक्चर के द्वारा समझाया गया है कि आप भीम एक्सिस पे UPI से क्या क्या कर सकते हैं। आप इसमें कोई भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, मोबाइल और DTH रिचार्ज कर सकते हैं, QR कोड स्कैन करके रुपए पे कर सकते हैं, किसी भी बैंक अकाउंट में रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं और अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ बताया है कि आप कैब सर्विस ले सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा। यहाँ बताया जा रहा है मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए आपके बैंक को एक SMS जाएगा जो कि चार्जेबल होगा। अब यहाँ से बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड सिम कार्ड को सेलेक्ट करना है। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब मोबाइल नंबर वेरीफाई हो रहा है, कुछ देर के लिए वेट करना होगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डाल देंगे, यहाँ email ID डाल देंगे। अब 6 अंकों का ऐप का लॉगिन पासवर्ड सेट करना है, यहाँ फिर से यही पासवर्ड डाल देंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब बैंक अकाउंट ऐड करना है, यहाँ सभी बैंक्स दे रखे हैं। आपका जिस बैंक में अकाउंट है यहाँ से उस बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। बैंक सेलेक्ट करते ही यहाँ आपका अकाउंट नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब UPI ID क्रिएट करनी है, जिसे हम BPA या पेमेंट एड्रेस भी बोलते हैं। यहाँ सेट UPI ID पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, यहाँ मेरा मोबाइल नंबर ले लिया है। इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। मैं दूसरी UPI ID बनाना चाहता हूँ तो मैं इसे चेंज कर रहा हूँ। मैंने UPI ID के ऊपर अलग से एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने UPI ID डाल दी है। इसके बाद यहाँ क्लिक करके चेक करेंगे कि हमने जो UPI ID डाली है ये अवेलेबल है या नहीं। ये देखिए UPI ID अवेलेबल है। अब प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, इसके बाद आपसे ट्रांजेक्शन UPI पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपने ऐड किए गए बैंक अकाउंट के साथ पहले से UPI पिन सेट कर रखा है तो उसी UPI पिन को यूज कर सकते हैं, और UPI पिन सेट नहीं किया है तो पहले आपको UPI पिन सेट करना होगा। मेरा UPI पिन पहले से सेट है, इसलिए UPI पिन सेट करने के लिए नहीं बोला गया। चलिए मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। ये हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। आप स्वाइप करके और भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको ट्रांजेक्शन करके बताता हूँ। यहाँ सेंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप पे के UPI ID और अकाउंट नंबर के द्वारा रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको UPI ID पर रुपए ट्रांसफर करके बता रहा हूँ। यहाँ UPI ID ऑलरेडी सेलेक्ट है। अब यहाँ पे की UPI ID डाल देंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए UPI ID वेरीफाई हो गई है और यहाँ पे का नाम ऑटोमेटिक आ गया है। अब यहाँ रुपए डाल देंगे जितने रुपए ट्रांसफर करने हैं। रिमार्क्स में नरेशन डाल देंगे। इसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देंगे। अब UPI पिन डालकर ओके कर देंगे। ये देखिए रुपए ट्रांसफर हो गए हैं। चलिए अब मैं आपको अकाउंट नंबर के द्वारा रुपए ट्रांसफर करके बताता हूँ। वापस होम पेज पर आ जाएंगे। अब फिर से सेंड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से IFSC सेलेक्ट कर लेंगे। अब ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके पे का बैंक सेलेक्ट करना है। यहाँ पे का नाम डाल देंगे, यहाँ अकाउंट नंबर डाल देंगे, यहाँ IFSC कोड डाल देंगे, यहाँ रुपए डाल देंगे जितने रुपए ट्रांसफर करने हैं। इसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देंगे। अब UPI पिन डालकर ओके कर देंगे। ये देखिए अकाउंट में रुपए ट्रांसफर हो गए हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि रुपए के लिए रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं। वापस होम पेज पर आ जाएंगे। अब रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पेयर की UPI ID डालकर वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। यहाँ रुपए डालेंगे जितने रुपए के लिए रिक्वेस्ट भेजनी है। यहाँ पर क्लिक करके रिक्वेस्ट एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हैं। रिमार्क्स में नरेशन डाल देंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए रिक्वेस्ट चली गई है।
आप यहाँ पर क्लिक करके अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं। राइट साइड में स्वाइप करेंगे तो मेनू खुल जाएगा। यहाँ मैनेज अकाउंट पर क्लिक करके यूपीआई पिन चेंज कर सकते हैं, यूपीआई पिन रीसेट कर सकते हैं, यहाँ से अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके अकाउंट डिलीट कर सकते हैं और इस प्लस बटन पर क्लिक करके और भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं और यहाँ क्लिक करके ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा जिससे हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।